शेर अपनी दहाड़ के सामने और किसी की दहाड़ को टिकने नहीं देता और न किसी की दहाड़ से प्रभावित होता है। और बकरी जहाँ शेर की दहाड़ सुनी और बस धराशायी हो गई। तो जो बकरी का कान पकड़ ले उसी के प्रभाव में आ जाती है। इसलिए सत्य नारायण की कथा गाई जाती है, सत्य लक्ष्मी की कथा नहीं गाई जाती। लक्ष्मी के भी कान कच्चे थे, इसलिए बकरी के कान लटके हुए होते हैं या खड़े हुए होते हैं, उससे तो ज्यादा कान खड़े हुए गधे के होते हैं जो रावण के शीश पर दिखाया जाता है। रावण फिर भी समझता था कि एक भगवान है। हाँ। पृथ्वीराज चौहान के लिए कहा गया है कि वो शब्द वेदी बाण चलाया, जहाँ से आवाज आई और वहीं पर बाण चला दिया। यहाँ एडवांस में है ज्ञान की आवाज की बात, जहाँ जहाँ से आप ज्ञान की ज्ञान से भरी हुई आवाजें आए वहीं उन बातों का जवाब दे देना, माने शब्द वेदी बाण चला देना। और जो एडवांस में आते हैं वो एडवांस में वो ही आत्माओं का चुनाव होता है जो एडवांस कोर्स लेने के बाद बिंदु रूप स्टेज में टिकने के सहज अभ्यासी बन जाते हैं। मैं आत्मा ज्योति बिंदु और कुछ भी याद न रहे। अब वो प्रैक्टिस किसी की एक सेकंड की हो या लंबे समय की बन जाए, लंबे समय की जिनकी प्रैक्टिस बनती है वो भी बीज रूप आत्मा, और थोड़े समय की जिनकी बीज रूप स्टेज बनती है वो भी बीज रूप आत्मा। बीज रूप आत्माएं जी हैं ऐसी स्टेज वाली जो नई दुनिया में प्रवेश करेंगी, देहभान को काट देंगी, देह की स्मृति ही खलास हो जाएगी। देह होते हुए भी जैसे नहीं है के बराबर, साकार इंद्रियां होते हुए भी जैसे कि न होने के बराबर, और प्योरिटी की देवी जो है वो बिना ज्ञान लिए प्योरिटी की देवी बन जाती है कि एडवांस ज्ञान लेना पड़े? एडवांस ज्ञान लेने के बाद। हाँ, तो एडवांस ज्ञान लेगी उसके बाद प्योरिटी की देवी साबित होगी। अभी संघ का रंग पवित्रों का लग रहा है या पवित्र आत्माओं का लग रहा है? अपवित्र आत्माओं का संघ का रंग लग रहा है। चलो स्थूल इंद्रियों से नहीं लग रहा है तो कम से कम सूक्ष्म ज्ञान इंद्रियों से आँखों से तो लग रहा है, इसलिए आँखों से पतन होता है। वो स्टेज नहीं बन सकती जिसे कहा जाता है दृष्टि से सृष्टि का उद्धार होना। नंबर वन कहाँ हुआ? चंद्रवंश को नंबर वन कहेंगे? नारी से लक्ष्मी बनने का जो बात, नारी से लक्ष्मी बनना, नारी रूप में भगवान आता है या नर रूप में भगवान आता है? तो भगवान अव्वल नंबर है या नारी अव्वल नंबर है? अव्वल नंबर कौन सा रूप है? जो रुद्रमाला के मणके हैं वो सब नर रूप है, उन सब में भगवान शिव साकार रूपधारी के द्वारा प्रवेश करते हैं, इसलिए रुद्रमाला के मणके कहे जाते हैं। रुद्र कहा जाता है ये शंकर को, शिव को रुद्र नहीं कहा जाता। मेरा नाम शिव ही है, वो नाम कभी बदलता नहीं,
जब शरीर बदलते हैं तो नाम बदल जाता है। तो शिवा जब रौद्र रूप धारण करता है मुकर्र रथ के द्वारा, तो वो ही रुद्र कहा जाता है। उस रुद्र के द्वारा यज्ञ के आदि में भी रौद्र रूप धारण किया गया था और अंत में भी रौद्र रूप धारण करता है। तो रुद्रमाला के मण के वो सब पुरुष ही होते हैं। हाँ, छोटी मम्मी का बीज है। छोटी मम्मी का? अच्छा, और बड़ी मम्मी का बीज नहीं है? अच्छा, हाँ बोलो। छोटी माँ जो है वो जन्म जन्मांतर पति पत्नी के रूप में एक आत्मा के साथ संबंध निभाने वाली बनती है या अनेकों के साथ संबंध निभाने वाली बनती है? तो अब व्यभिचारी संबंध हुआ या व्यभिचारी संबंध हुआ है? अनेक जन्मों का अभिविचारी संबंध हो गया, क्योंकि वो रानी का पार्ट है। भारत की जो रानियां हैं उन्होंने पवित्रता को ज्यादा धारण किया या राजाओं ने पवित्रता को ज्यादा धारण किया है? रानियों ने पवित्रता को ज्यादा धारण किया। और राजाओं ने? राजाओं ने डब्बा डब्बा गोल किया। उन राजाओं के बीच में चाहे जगदम्बा हो और चाहे योगिनी हो, वो दुर्योधन दुशासनों की लिस्ट में कही जाएगी या नहीं कही जाएगी? क्योंकि राजाओं का पार्ट बजाया, रानियों का अधीन रहने का पार्ट नहीं बजाया। ज़्यादा गर्व नहीं कर। समझ में आ गई बात? हाँ जी। हैं? जो राम वाली आत्मा के साथ साथ रुद्रमाला के जो भी 108 मणके वो सारे ही बीज रूपी स्टेज को धारण करने वाले। नंबरवार 108 ही नहीं, जो भी 4.5 लाख जन्म देने वाले मात पिता के रूप में पार्ट बजाने वाली आत्माएं हैं नई सृष्टि में, वो सब बीज रूपी स्टेज धारण करने वाली है। एडवांस पार्टी में कोई आत्मा ऐसी आ ही नहीं सकती जो 1 सेकंड के लिए बीज रूपी स्टेज की धारण करने की प्रैक्टिस वाली न हो। इसलिए मुरली में बोला है, आत्मा रूपी सुई की सारी कट उतरने पर तुम बच्चे डायरेक्ट बाप से सीखोगे। अर्थात जिनके आत्मा की देहभान की कट नहीं उतरती है, देहभान ही देहभान भरा रहता है, बिंदी याद ही नहीं आती, उन आत्माओं को रुद्रमाला का मणका नहीं कह सकते। वो बेसिक नॉलेज वाले हो सकते हैं, एडवांस नॉलेज वाले नहीं कहे जा सकते। ज्योग्राफिक पॉइंट से ऑस्ट्रेलिया की मिट्टी में डस्ट नहीं होता, धूल नहीं होता है? फ्रांस में मच्छर नहीं होता, इसका ऑस्ट्रेलिया की मिट्टी में क्या नहीं होता? डस्ट, धूल नहीं होता। ये ऑस्ट्रेलिया के तो आए हैं, इनसे पूछो वहाँ डस्ट होती है कि नहीं। फ्रांस में रुको रुको, एक बात पक्की कर लो पहले। हाँ भाई, हाँ मिट्टी है, ऐसे नहीं ऑस्ट्रेलिया में मिट्टी नहीं है। जहाँ जहाँ जमीन होगी, जहाँ जहाँ धरणी होगी, वहाँ वहाँ डस्ट जरूर होगी। तो ऑस्ट्रेलिया की मिट्टी में डस्ट है, ऐसे नहीं डस्ट नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान के मुकाबले कम है, होनी चाहिए। हिंदुस्तान में देहवान की मिट्टी ज्यादा होनी चाहिए या विदेशों में देहवान की मिट्टी ज्यादा होनी चाहिए? हिंदुस्तान में देहवान की मिट्टी ज्यादा होनी चाहिए। हाँ, और आगे फ्रांस क्या? फ्रांस में मच्छर नहीं होता। हाँ, इसका आध्यात्मिक कारण है कोई? फ्रांस जब शब्द है तो उसका अर्थ भी होगा। फर माने क्या?
जिससे बना फर्रुखाबाद, और अंश माना क्या है? फर माने तेजी से, फर माने तेजी से, और अंश माने थोड़ा सा, कहीं ना कहीं बीज जरूर है। तो जो फट से अंश पकड़ ले, माना जो बड़ी तीव्र गति से ज्ञान के अंश को पकड़ ले, वो हुआ फ्रंस। हाँ तो उठाओ, कहाँ से बोलो? हाँ, क्या कह रही है? ये भी एक भाषा है, पंजाबी भाषा है। हाँ जी, पंजाबी है तो कौन है इधर? तेलुगु बोलो फिर, तेलुगु तो यहाँ बहुत है। हाँ वो तो सुन लिया, बड़गोड़ उन्होंने क्या बोला? कोई तेलुगु वाला है नहीं, क्या बोला? आपकी भाषा नहीं, हिंदी में बोलो क्या कहना चाहते हैं। अच्छा छोड़ो, आगे चलो। हाँ, यहाँ ब्राह्मणों की संगम की दुनिया में जैसे जैसे चरित्र करेंगे, जैसा जैसा चित्र बनेगा, यहाँ के चरित्र के आधार पर भक्ति मार्ग में चित्र बनेंगे। द्वापर के अंत में जिन देवताओं ने पूछड़ी का पाठ बजाया, देह अभिमान की पूछड़ी सबसे लंबी हो गई, लंबी होना शुरू हो गई, तो ये पाठ वास्तव में कहाँ बजा? संगम युगी शूटिंग में, जब द्वापर युगी शूटिंग की शुरुआत होती है तो लंबी पूछड़ी वाले का पाठ चलना शुरू हो जाता है। ऐसे ही गणेश को हनुमान की सूंड दिखाते हैं द्वापर युग के आदि से, वो द्वापर के अंत में। तो कोई ऐसे देह अभिमान के सूंड वाले हैं जिनकी आंखों में बहुत मद भरा रहता है, जिनके कान जो हैं ज्ञान सुनने और सुनाने में बहुत तीखे होते हैं, सबसे जास्ती ज्ञान सुनते हैं और दूसरों को सुनाते हैं, लेकिन देह भान नहीं छोड़ पाते। देह भान ऐसे ही भरा रहता है जैसे हाथी की रग रग में देह भान भरा रहता है, मारे देह भान की यूं हलता रहेगा। दिमाग का बहुत चौड़ा होता है, जैसे रावण दिमाग का बहुत प्रतिभाशाली था, ऐसे ही बुद्धि के बहुत प्रतिभाशाली होते हैं लेकिन देह भान खलास नहीं हो पाता। तो उनका चित्र बनाई दिया है गणेश का, उनमें काम विकार की पूंछ नहीं होती है जो कमर में दिखाई जाती है, लेकिन देह भान जरूर भरा हुआ है। धरना दिया गया था, या जो बाढ़ के संदूक में जो पुराना जो टेक था, तो उसको उसको खोलने वाले कोई लोग बता रहे हैं, उसके बारे में क्या बता रहे हैं? कैसे अब कोई चीज है लोहे के बक्स में बंद करके जमीन में गाड़ ही गई है, तो गाड़ने का संकल्प क्या था? उसका संकल्प गाड़ने वालों का यही था कि जब टाइम आएगा तो ये बक्स बाहर आ जाएगा। प्लानिंग चल रही है चलाने वालों की कि वो मकान ही खरीद लिया जाए,
और उसकी खुदाई की जाए और उसमें से वो बक्सा निकाल लिया जाए, ताकि शुरुआत का सतो प्रधान जो ज्ञान है वो बाहर आ जाए। उस समय तो यहाँ के लोग वहाँ चले जाते थे, कोई बात की जरूरत नहीं होती थी, और कोई बंटवारा होने पर कोई जा नहीं सकता है। ऐसी तो कोई बात नहीं है, एडवांस में सबसे पहले जो ज्ञान में आया विदेशियों के बीच में से वो पाकिस्तानी ही आदमी आया, वो अभी पाकिस्तान की नागरिकता वाला है। और बलराम, जैसे बलराम और कृष्ण की जोड़ी है, ऐसे ही रामायण में राम और लक्ष्मण की जोड़ी है, ये बाप दादा का पार्ट साथ ही साथ है, चाहे रामायण हो और चाहे महाभारत या गीता हो, भागवत हो, जो राम है वो ही बलराम है। और बाबा कमला का अर्थ बताया, कमलाई कमलाई माने क्या? कमला, कमल शब्द से बनता है कमला, क्या कमल माना कमल का फूल, रहता है कीचड़ में, कीचड़ की दुनिया में रहते हुए भी उसमें कीचड़ में से जब कमल का फूल बाहर निकालते हैं तो कीचड़ का एक बूंद भी उसमें ठहरता नहीं, माना लगाव झुकाव की बीमारी उतनी ज्यादा होती नहीं है जितना और फूलों में होती है, इसलिए उसका नाम है कमला। क्या कमला? जो कीचड़ का लगाव झुकाव है वो कम लगता है, इसलिए उसका नाम है कमला। और सवाल पूछा था, उस सवाल ये है, लौकिक में जो स्कूल में पढ़ाई पढ़ते हैं और मंदिर में जो पढ़ाई पढ़ते हैं उसमें क्या अंतर है? लौकिक में जो पढ़ाई पढ़ते हैं वो पांच तत्वों की पढ़ाई पढ़ते हैं, और मंदिर में जो पढ़ाई पढ़ते हैं वो भक्ति मार्ग की पढ़ाई पढ़ते हैं, और ज्ञान मार्ग में जो पढ़ाई पढ़ते हैं वो ज्ञान की बातों की पढ़ाई, आत्मा परमात्मा की पढ़ाई पढ़ते हैं। तीनों में बहुत अंतर आ जाता है। और हाथ उठाओ। हाँ, शंकर को दिखाया। क्या दिखाया? शंकर को दिखाया। शंकर को बिस्पीते दिखाया। हाँ जी, और मीरा को भी बिस्पीते दिखाया। हाँ, दोनों में अंतर क्या? और दोनों दोनों संगी साथी रहे होंगे, वो जगत पिता रहा होगा, वो जगदम्बा रही होगी, तो दोनों का काम एक जैसा ही होगा कि नहीं अलग अलग होगा? है क्यों विश्व कल्याण के लिए बीज दिया? और मेरा क्या अपने कल्याण के लिए, स्वार्थ के लिए बीज पिया? मेरा को पिलाया गया। पिलाया गया, लेकिन पिया किसने? तो फिर जबरदस्ती किया है तभी तो पिलाया गया। अरे यहाँ 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 भी तो देवताओं ने पिलाया शंकर जी को, देवी देवताओं ने पिलाया तब पिया, जब वो कोई पीने के लिए तैयार नहीं हुए, मरने के लिए सब तैयार हो गए, भले मर जाएंगे तो मर जाएंगे, सारी दुनिया मर जाएगी तो हम भी मर जाएंगे, सब तैयार हो गए मरने के लिए, तो उन्होंने कहा अच्छा मरो मत, लाओ हम पी लेते हैं। और बाबा गणेश माना क्या? गण कहते हैं समूह को, देवताओं का जो समूह है संगठन है उनका ईश, ईश माने स्वामी, जो देवताओं का संगठन है उसका जो प्रतिनिधित्व करता है उसका नाम रख दिया है गणेश। और ज्ञान में चलते हुए जो गंध की बातों में जिनकी बुद्धि लगी रहती है, अज्ञान की गंध कहो, बेअभिमान की गंध कहो, वो गंध खाने में ही जो लगे रहते हैं वो है बंगले। और ज्ञान में चलते हुए जिनकी बुद्धि में ज्ञान रतन ही रमण करते रहते हैं, बाबा के महावाक्य ही रमण करते रहते हैं,
मनन चिंतन मंथन में ही बुद्धि लगी रहती है, देवान की बातों में बुद्धि नहीं लगती है। उनको हंस कहेंगे, हंस हमेशा मोती चुगते हैं, वो ज्ञान के मोती हैं। हंस नीर क्षीर विवेकी होते हैं, पानी पानी अलग कर देते हैं, दूध को अलग कर देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि मनुष्य जो कुछ ज्ञान सुनाते हैं वो पानी पानी का ज्ञान सुनाते हैं, सुना हुआ ही सुनावेंगे, और भगवान तो सुना हुआ नहीं सुनाता है, वो तो दूध ही दूध सुनाता है। जो मुरली है, मुरली के महावाक्य हैं, वो असल दूध है। उस दूध को मंथन करेंगे तो मक्खन निकलेगा। गंगा की सुनाई हुई बातों का मंथन करेंगे तो मंथन नहीं निकलता, क्योंकि गंगा पानी की गंगा है। गंगा मंथन करके नई बातें नहीं निकाल सकती। अब वो गंगा हो, यमुना हो, सरस्वती हो, भगवान की सुनी सुनाई बातें ही सुनाई सकती है, नई बातें कुछ मंथन करके नहीं निकाल सकती। और बोलो बोलो, कोई भी बोलो। 47 में, 47 में ब्रह्मा में किसको तरस था? हाँ तो तभी 1947 में ब्रह्मा के द्वारा जो ज्ञान सुनाया गया, ज्ञान सुनाने की शुरुआत हुई, उस समय झूठा स्वर्ग स्थापन हुआ या डुप्लीकेट स्वर्ग स्थापन हुआ कराची में? कौन सा स्वर्ग स्थापन हुआ? डुप्लीकेट स्वर्ग स्थापन हुआ। ऐसे ही महात्मा गांधी के समय में 1947 में जो स्वतंत्रता संग्राम का रिजल्ट निकला, वो सच्ची स्वतंत्रता मिली या वास्तव में परतंत्रता मिली? झूठी स्वतंत्रता मिली, झूठी स्वतंत्रता मिली। वो कहते थे स्वर्ग लाएंगे, स्वर्ग लाएंगे, लेकिन जो स्वर्ग लाने वाला है वो खुद ही मर गया, माने देवान में आ गया। और हैं है? क्या चूहे में मांस ही मांस ज्यादा होता है कि हड्डियां भी होती हैं? है? हड्डी तो बस वही टांगे दिखाई पड़ती हैं, वही हड्डी है, पूंछ हड्डी है थोड़ी सी, और बाकी सारा मांस ही मांस, देह अभिमान का मांस ही मांस भरा रहता है। मांस कहते हैं जो देह को याद करते हैं। क्या एक की देह को याद नहीं करे? बिल्ली कितने की देह को याद करे? एक चूहे से पेट नहीं भरता, कम से कम 150 चूहे रोज चाहिए। तो कहावत बन गई है, 900 चूहे खाए फिर बिल्ली हज को चली, माने भगवान की प्राप्ति के लिए निकली, इसलिए माया बिल्ली कहा जाता है। क्या माया मौसी कहा जाता है? भगवान की प्राप्ति करने वाली नहीं होती है वो, न स्वयं भगवान की प्राप्ति करती है न दूसरों को कराने देती है। और है बिल्ली ने देव तो सारे दांव सिखाए, है देव की भी मोस्ती है बिल्ली, लेकिन एक दांव नहीं सिखाया। हाँ, देव ने जब उसको देखा कि मैं परफेक्ट हो गया तो जब झपट्टा मारने लगा तो बिल्ली पेड़ पे चढ़ गई, चढ़ गई। तो देव ने कहा मोस्ती ये दांव तो नहीं सिखा है, उसने कहा यही तो मेरा आखिरी हथियार है, ये मैं किसी को नहीं सिखाती, तुम मेरी प्रजाति के नहीं हो, इसका ख्याल। तो वास्तव में शेर का पार्ट बजाने वाली आत्मा कौन है संसार रूपी जंगल में? राम वाली आत्मा। जो राम वाली आत्मा है, जब इस सृष्टि की आखिरी घड़ी आती है, कब? 2036 में। तो उस समय राम वाली आत्मा जो है
वो आखिरी चोटी पर चढ़ करके पाठ नहीं बजा पाती, उसे नीचे आना है। नीचे आकर के देवान में पाठ बजाएगी तब सारी सृष्टि का विनाश करेगी। जैसे एकलव्य के लिए दिखाते हैं, एकलव्य किसको लव करता था? एक को लव करता था, लेकिन गुरु ने क्या किया फिर है? उसका वो आत्मा रूपी अंगूठा ही काट दिया। प्रभुता पाहि काहि मदनाहि, राम वाली आत्मा भी जब विश्व का मालिक बन जाती है तो अंत में देवान का जो वो आत्मा का आत्मिक स्थिति का जो अंगूठा है वो कट जाता है, और कट जाने के कारण वो अति देवान में आने के कारण सारे विश्व का विनाश करने के निमित्त बन जाती है, बना उस समय नीचे आ जाती है। और बिल्ली कहो चाहे कुत्ता कहो, वो तो स्वर्ग में जाता है। बाबा लेकिन बिल्ली कौन हुआ है? तो जो सारा दूध पी जाती है उसे कहते हैं माया बिल्ली। जिसकी गोद में बैठ करके दूध पीती है उसी को पंजा मार देती है, उसको कहते हैं बिल्ली। और सत्ययुग में 8 जन्म है, त्रेता में 12 जन्म, हाँ जी, द्वापर युग में 21 जन्म, कलयुग में 42 जन्म, हाँ। लेकिन ये सारे युग 1250 वर्ष होता है, हाँ? 1250 वर्ष होता है, हाँ जी हाँ जी। तो कोई युग में कम कोई युग में ज्यादा जन्म थी? अरे जहाँ उम्र कम होगी तो जन्म ज्यादा होंगे, और जहाँ उम्र लंबी होगी तो जन्म कम होंगे। सतयुग में 150 साल उम्र होती है, तो 150 साल को 8 में गुणा किया तो कितना आया? 8 × 12 जन्म होंगे। त्रेता में जन्म बढ़ जाएंगे क्योंकि उम्र कम हो जाती है। वाह भैया तू तो खूब मंथन करती है। और कृष्ण जब सदस्य चक्र चला करके शिशुपाल का वध करता है तो उसकी उंगली कट जाती है, द्रौपदी उसको अपना साड़ी फाड़ के बांधती है। शिशुपाल जो है वो भी एक प्रकार से कोई कम महत्वपूर्ण पावरफुल पार्ट नहीं है, वो कम महत्वपूर्ण पार्ट नहीं है। जैसे कृष्ण के लिए कहते हैं विष्णु चतुर्भुज का अवतार है, ऐसे ही जो शिशुपाल पैदा होता है वो भी 4 भुजाधारी पैदा होता है, तीसरा नेत्र वाला पैदा होता है, लेकिन उसका हिसाब किताब ये बना हुआ है जो कृष्ण के द्वारा ही मारा जाता है। माना उसके देह अभिमान का काट सिर्फ कृष्ण के सदर्शन चक्र में ही है, और कोई दूसरा उसे नहीं काट सकता। मगर कृष्ण की उंगली तब कट जाती है ना? हाँ तो ज्यादा पावरफुल है तो थोड़ा तो, दो मुक्केबाज हो आपस में लड़े तो एक ही मुक्केबाज मारता रहेगा तो दूसरा भी कभी एक आध मार देगा, है? दूसरा भी मारेगा। हाँ जी दुश्मन दुश्मन के तरफ याद करेगा, दुश्मन बाबा कैसे याद करेगा? जो दुश्मन बन के याद करेगा बाबा उसको दोस्त के रूप में याद करेगा। और बाबा का तो इस दुनिया में कोई दुश्मन है ही नहीं कि कोई है, है? बाबा का तो कोई भी दुश्मन नहीं, 500-700 करोड़ सब बाबा के बच्चे हैं, दुश्मन काहे के? और बाबा कहा ही जाता है निराकार साकार के मेल को। और हमारे कहानी चलती है कि वो लड़के थे तो मार मार के उनको नीचे लाश नहीं चपा रहे थे, तब वो मर गए थे तो वो खाली मंदिर में पूजा करने जा रहे थे, तो पूजा करते हुए वो भी खत्म हो गया, घर भी पूजा नहीं, वहाँ के लोग सुने आज ही बोलते हैं कि आला उधर सबसे पहले उस मंदिर में पूजा करके चले जाते हैं,
तो और भी कई मंदिर हैं यहाँ पे, केला माता है, जागरणी वाले के कुछ मंदिर ऐसे हैं जहाँ पे लोग कहते हैं उनकी जो मंदिर वाले के वो आज भी पूजा करने के लिए आते हैं, तो ये सही है कि कहीं कहीं बात है? अरे आला उधर कोई दूसरी कथा का थोड़े ही है, कथा कहानी थोड़े ही है, हिस्ट्री में आला उधर की कोई हिस्ट्री नहीं मिल रही है। जैसे हाँ, जैसे पुराणों की जो पुराण पंथी है वो हिस्ट्री में नहीं मिल रही है, हिस्ट्री माने जिसका प्रूफ मिलता हो, इससे साबित होता है कि आला उदल कोई दूसरे नहीं हुए थे, आला और उदल रामकृष्ण की आत्माएं ही आला उदल है। उनकी कथा कहानियां आज ऐसे ही चल रही हैं जैसे पौराणिक कथा कहानियां रामायण की और महाभारत की चल रही है। है मरते हुए नहीं दिखाया, तो रामकृष्ण की आत्माएं क्या मरने वाली हैं? वो तो शंकर जी का पार्ट है, शंकर जी को मरा हुआ दिखाते हैं क्या? हाँ हाँ, तो हमारा पार्ट प्रैक्टिकल में चला, शंकर भी प्रैक्टिकल चल रहा है, मूर्ति विष्णु उसका प्रैक्टिकल शरीर उसी पार्ट का चलेगा। ब्रह्मा की पांच मूर्तियां हैं, पांच मुख दिखाए जाते हैं, उन पांचों मुखों में संस्कार परिवर्तन की शक्ति कोई मुख में ज्यादा होगी या नहीं होगी कि पांचों बराबर होंगे? एक मुख में संस्कार परिवर्तन की शक्ति ज्यादा है, वो कौन सा मुख है जो प्रैक्टिकल में संस्कार परिवर्तन का पार्ट बजाता है? वैष्णवी शक्ति। हाँ जी, गुम्मद का आकार ऐसे बनाए दिया है जैसे परमधाम, इसलिए वो गुम्मद दिखाते हैं। और सत्युग में हाँ, बैकुंठ में जो कृष्ण को दिखाते हैं वो टेढ़े पांव करके दिखाते हैं, वो वास्तव में उस बैकुंठ की बात नहीं है जो सत्युग त्रेता में कोई बैकुंठ ऐसा रहा हो, ये तो वास्तव में संगम युग की पार्ट की बात है, जो मोर का पार्ट है वो ही कृष्ण का पार्ट है, मोर की पूंछ, मोर का शरीर, मोर का मुख, आंखें, सब कुछ अच्छा है, लेकिन जब वो अपने पैरों की तरफ देखता है तो रोता है, तो पांव उसके अच्छे नहीं होते, माने उसकी चाल अड़भंगी होती है, उसकी चाल कोई की समझ में आने वाली चाल नहीं है, अड़भंगी चाल होने के कारण कोई उसका चाल को पसंद नहीं करता, जैसे राम सीता के लिए बोला हुआ है, राम सीता हैं खादी के राजा रानी, माने और देवताएं खादी के राजा रानी नहीं है, राम सीता वाली आत्माएं जो संगम युग में पार्ट बजाती है वो पार्ट किसी को समझ में नहीं आता महाकाल और महाकाली का, इसलिए सबको दुखदाई हो जाते हैं, भारी पड़ जाते हैं, जैसे खादी का कपड़ा बरसात के मौसम में बहुत भारी और चिपकने वाला बन जाता है, सर्दी में गर्म रहता है सुख देता है, गर्मी में ठंडा रहता है सुख देता है, ऐसे ही राम सीता वाली आत्माएं संगम युगी बरसात के सीजन में बहुत सुख देने वाली दुख देने वाली बन जाती है, और सत्युग त्रेता में सुखदाई है, द्वापर कलयुग के गर्म सीजन में भी सुखदाई है। हाँ जी, देवों से अव्यक्त वाणी में बात की है कि नई दुनिया की सौगात तुम बच्चों को दी है ना, उस नई दुनिया में तुम आना जाना करते हो ना, इस
का मतलब ये हुआ कि रुद्रमाला में जो आठ मणके हैं पहले पहले सूर्यवंशी, उनमें कोई दो ऐसे हैं जो संगठन की विशेष पालना करने वाले हैं और बाकी छह ऐसे हैं जो उसमें आना जाना करने वाले हैं। सच्ची आत्मा वैजयंती माला का जो मुखिया है उसी की सत्यनारायण की कथा नहीं गाई जाती तो उनके फॉलोअर्स कैसे सच्चे बन जाएंगे? बन जाएंगे ये? अपने पूजन के हिसाब किताब है, कोई ज्यादा नजदीक रहे हैं, ज्यादा प्यार लिया है दिया है, ज्यादा अच्छा वफादारी फरमान बरदारी ईमानदारी का पाठ बजाया है तो जल्दी मिल जाते हैं, तो इंतजार ज्यादा करना पड़ता है। बनी बनाई बन रही अब कुछ बन नहीं ना है, इन जन्मों में जैसा जैसा जो पाठ बजाया वैसी प्राप्ति के अधिकारी बन जाते हैं। और बाबा एक तरफ कहा गया है कि फादर शोध संघ शोध फादर, और एक तरफ कहा है कि भगवान छुपा रुस्तम है उसके बच्चे भी छुपे रुस्तम है। हाँ जी, तो ये जब सारा भेद खोलेंगे कि राष्ट्रीय लेवल पर जैसे एक सीआईडी पुलिस का आदमी अपने आप को शो करेगा तो वो आगे अपना कार्य नहीं कर सकेगा, तो सरकार की सहमति से राज खुलेगा क्या एकदम प्रत्यक्ष कैसे होगी? ज्ञान की भगवान ने ये बोला है तुम बच्चे केस को ऊंचे से ऊंचे कोर्ट में ले जाएंगे, बोला है कि नहीं? तो जब सुप्रीम कोर्ट में केस जाएगा, सत्य क्या है असत्य क्या है ज्ञान क्या है अज्ञान क्या है, दुनिया के रहस्य खुलेंगे या नहीं खुलेंगे? अखबार वाले सुप्रीम कोर्ट की बातों को चारों तरफ उड़ावेंगे या नहीं उड़ावेंगे? नहीं उड़ाएंगे, उड़ाएंगे तो आवाज निकलेगी। एक पार्टी चारों तरफ दुनिया में फैली हुई है और एक पार्टी के लोग मुठ भर हैं, पांच पांडव है, तो रिवोल्यूशन संसार में फैलेगा या नहीं फैलेगा? फैलेगा। उसके लिए ब्राह्मणों की दुनिया की संख्या ज्यादा होना जरूरी है क्या? सरकार से कोऑर्डिनेशन जरूरी है, पांडवों की संख्या ज्यादा होना जरूरी है या पांडवों की पांच उंगलियों का संगठन मजबूत होना जरूरी है? सर जैसा फैसला दे दे वैसे ही फैसले को मानने के लिए पांच उंगली सन्नद्ध हो जाए, भले द्रौपदी को भी दांव में लगा दे तो भी संगठन को सहयोग देने वाले हो, जानते हैं ये गलत काम है फिर भी संगठन को मजबूत करें। साधु भी गुरु बन जाते हैं और सवाधु भी गुरु बन जाते हैं। साधु उनको कहा जाता है जो इंद्रियों की साधना करते हैं, इंद्रियों को साधने का पुरुषार्थ करते हैं, इंद्रियों को खुला नहीं छोड़ देते, लो खूब खाओ पियो खूब मौज करो मस्ती मारो नहीं, उनको कंट्रोल करते हैं, उनको कहा जाता है साधु। उन साधुओं में कोई गुरु भी बन के बैठते हैं, परंतु सच्ची इंद्रियों की साधना करने वाला इस दुनिया का कोई मनुष्य गुरु नहीं हो सकता।
सच्ची सच्ची इंद्रियों की साधना करने वाला तो एक परमपिता परमात्मा ही है। जो आकर के साधु बनाता है हम ब्राह्मण बच्चों को, इंद्रियों की साधना करना सिखाता है कि घर गृहस्थ की कीचड़ में रहो लेकिन मन बुद्धि से ऊपर आम रहो। इसका मतलब ये नहीं कि व्यभिचारी बन जाओ। और इधर कोई पूछ रहा, हाँ द्रौपदी, जिसका पद ध्रुव है उसके पद को कोई नीचे ऊपर कर नहीं सकता। कैसा ध्रुव पद है, नैया डोलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। कितना भी शरीर रूपी नैया का पुरुषार्थ हिल डुल करता रहे लेकिन वो नैया डूबने वाली नहीं है, पार जाएगी। इसलिए ध्रुवपदी नाम पड़ा है। और तो माने सुंदर, भद्र माने कल्याणकारी, सुंदर कल्याणकारी माने असुंदरता का कोई नाम निशान नहीं। आदि से अंत तक निभाने वाली को सुभद्रा कहा जाता है। और लेकिन मुरली में बोला है नेक्स्ट टू गॉड इज प्रजापिता, नेक्स्ट टू गॉड इज शंकर, नेक्स्ट टू गॉड इज नारायण, नेक्स्ट टू गॉड इज कृष्ण। तो नेक्स्ट टू गॉड मना गॉड के बाद दूसरा नंबर, एक का ही होगा या दो चार का होगा, गॉड के बाद अगला नंबर किसका, एक का होगा या दो चार का होगा, एक का ही होगा। इसका मतलब जो शंकर है वही आत्मा कोई टाइम पर प्रजापिता का भी पार्ट बजाती, लेकिन प्रजापिता को शंकर नहीं कहेंगे। प्रजापिता है पतित तन का पार्ट और शंकर है पावन का पार्ट। शंकर है फरिश्ताओं में सबसे ऊंचा फरिश्ता, फर्श की दुनिया से जैसे कोई रिश्ता ही नहीं। मन चिंतन मंथन की स्टेज में रहने वाले को शंकर कहा जाता है। और प्रजापिता पतित है या पावन है, प्रजापिता को पतितों का बाप कहेंगे या पावन का बाप कहेंगे सर, या पतित और पावन दोनों का बाप कहेंगे। प्रजापिता कहाँ होता है, सचिन में होता है, त्रेता में होता है, द्वापर में होता है या कलयुग के अंत में होता है, है? कलयुग के अंत में ही प्रजापिता प्रत्यक्ष होता है जबकि सारी दुनिया पतित होती है। तो पतितों का बाप भी कैसा होगा, पतित ही होगा। पार्ट एक ही है लेकिन कार्य के आधार पर काम के आधार पर नाम अलग अलग रख दिए। और बलराम के सिर पे नाक दिखाते हैं, नाग जो बलराम के कंधे पे हल दिखाते हैं उसी कारण उसके सिर पे नाग दिखाते हैं। नाग भिखारी की निशानी होती है, कामी क्रोधी लोभी अहंकारी को नाग कहा जाता है, विषैला कहा जाता है। युद्ध में स्थिर रहे, भाग खड़ा ना हो तो युधिष्ठिर, और भाग खड़ा हो तो युधिष्ठिर काय का।
एक आदमी बोले बिन मांगे मोती मिले और मांगे मिले न धूल, इसलिए बाबा कहते हैं मांगने से मरना भला। अगर अपने भाग्य में होगा, पूर्व जन्मों में हमने ऐसे कर्म किए होंगे अच्छे अच्छे, तो मांगने से मिलेगा या बिना मांगे मिलेगा? हैं? बिना मांगे मिलेगा। जैसे मुसलमानों के लिए बोला है, मुसलमान भीख मांगेंगे। क्यों मांगेंगे भीख मुसलमान? जरूर उन्होंने ज्ञान का तिरस्कार किया है, इसलिए भीख मांगते हैं। जो ज्ञान का सत्कार करने वाली आत्माएं हैं, ज्ञानेश्वर का संस्कार सत्कार करने वाली आत्माएं हैं, ज्ञानी तू बाप को पहले पहचानने वाली आत्माएं हैं, उनको ज्ञान भीख मांगने से मिलेगा, प्रश्न करने से मिलेगा, या बाप स्वतः ही उनको ज्ञान सुनाएगा? है? बाप स्वतः ही उनको ज्ञान सुनाएगा टाइम पर। उनको प्रश्न करने की भी दरकार नहीं और भीख मांगने की भी दरकार नहीं। इसलिए कहते हैं बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। और मूढ़ कहते हैं जिसकी बुद्धि में कुछ भी न बैठता हो, मूर्ख। मति माने बुद्धि। कैसी बुद्धि? मूर्ख बुद्धि। जैसे मूर्खों की कहानी आती है, एक मूर्ख था, उसको कहीं एक अंडा मिल गया, अंडा उसने उठा लिया, सोचा कि इस अंडे से मुर्गी निकालेंगे, फिर मुर्गी से बच्चे पैदा होंगे और अंडे पैदा होंगे, ढेर सारी मुर्गियां बन जाएंगी, तो उनको बेच करके बकरियां खरीद लेंगे। फिर सोचा कि बकरियां कम कीमत वाली होती हैं, बकरियां बहुत जल्दी बकरे बकरियां पैदा कर देती हैं, तो एक साल दो साल के अंदर ढेर बकरियां हो जाएंगी, तो उनको बेच करके बैल खरीद लेंगे, गाय खरीद लेंगे। ऐसे सोचते सोचते उसको रास्ते में ठोकर लगी, तो गिर गया, और उसका जो साथ में ले जाने वाला मटका था वो सारा ही फूट गया। तो ऐसी मूर्ख बुद्धि से मूढ़ बुद्धि कहा जाता है। और कुछ करती है उसको काट देती है, किया किया न किया बराबर हो जाता है, तो नाम रख दिया करकटी। चलो। Thank you.